गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ सुरभि, इंडियन गर्ल इन यूरोप। आज एक और नए टॉपिक के साथ आई हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। लेकिन उससे पहले हमारा व्लॉगिंग चैनल देख लो, जिसमें हम जर्मनी की लाइफस्टाइल दिखाते हैं आप लोगों को। ये जो वीडियो है, इसमें हमारे ही एक फ्रेंड जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, वो यहाँ पर अभी अभी आए हैं। और कमाल की बात यह है कि उन्हें इंडिया से डायरेक्टली यहाँ पर ऑफ़र मिला है, जो कि एक जर्मन कंपनी है, बहुत ही फेमस कंपनी है। उनका एक्सपीरियंस सुनते हैं कि उनके क्या चैलेंजेस थे, वेदर उनके लिए इजी था ये ऑफ़र लेना, या उन्होंने ऐसा क्या किया डिफरेंटली जिससे उन्हें सीधे इंडिया से यहाँ पर ऑफ़र मिल गया। तो हम अंदर जाते हैं जल्दी से और देखते हैं कि क्या था उनका एक्सपीरियंस। सो ऑल द सॉफ्टवेयर इंजीनियर, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। ओके दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, मेरे साथ है सिद्धार्थ जो मेरा कॉलेज का फ्रेंड है और हम काफ़ी सालों से दोस्त हैं। तो नाउ सिद्धार्थ इज इन म्यूनिक और अब हम शेयर करेंगे उसकी जर्नी के। ये आईटी में जॉब कर रहा है और एक अच्छी खासी मतलब वेल नेम कंपनी है, उसके लिए जॉब कर रहा है। और अब हम जानेंगे इसकी जर्नी कैसी रही जॉब सर्च करने की, और क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, और क्या क्या चीज़ें मतलब टाइम के साथ इजी हो गई है या डिफिकल्ट हो गई है इंडिया से यहाँ पे शिफ्ट होने के लिए। ओके अच्छा सिद्धार्थ, पहले तो तुम अपने आप को इंट्रोड्यूस करो यार। ओके तो हाँ, जैसा कि दीपक ने बताया, मेरा नाम सिद्धार्थ मोदी है और मैं आज ही बेंगलोर से म्यूनिक आया हूँ। ओवरऑल मैं अराउंड 11 ईयर्स ऑफ SAP एक्सपीरियंस है, मैं SAP 11 ईयर्स ऑफ IT एक्सपीरियंस है, जिसमें मैं मेनली SAP कंसल्टेंट काम किया है। बहुत बढ़िया। अब ये बताओ मुझे कि जैसा आज के टाइम पे मतलब इंडिया से यार मतलब कितने लोग हैं जो बाहर जॉब ट्राई कर रहे हैं, स्पेशली जर्मनी के लिए, यूरोप के लिए। ओके तो तुम्हारे लिए जॉब सर्च करना कैसा एक्सपीरियंस रहा, मतलब कितना मुश्किल था कितना आसान, पहले तो ये बताना कि क्या मन में आया कि बाहर जॉब देखी जाए स्पेशली जर्मनी में। ओके देखो, सबसे पहले मैंने मोस्टली जर्मन कंपनीज के लिए काम किया है। मैं इसके पहले एक कंसल्टिंग कंपनी में था, उसके थ्रू ऑलमोस्ट 6.5 ईयर एक जर्मन कंपनी, कंज्यूमर गुड्स कंपनी काम करता था। तो मैं जर्मनी आता जाता रहा हूँ। और जो अभी मेरी करंट कंपनी थी इंडिया में, जो लास्ट कंपनी है, वो भी जर्मनी की एक लीडिंग होम अप्लायंस कंपनी है। तो उसके हिसाब से अगर मैं सोचूं कि मैं क्यों जर्मनी आने का डिसीजन लिया, तो वर्क कल्चर ऑफकोर्स, और ऐसा कोई सोचा नहीं था कि आना ही है या नहीं आना है। बट सडनली जैसे दीपक और कुछ और फ्रेंड्स हैं मेरे, तो एक जर्मनी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर बोल लो या कुछ ही बोल लो, तो उस हिसाब से मैंने सोचा कि अगर रहना है तो जर्मनी में एक मतलब वन ऑफ द बेटर ऑप्शन फ्रॉम इंडिया कंपेयर टू अदर कंट्रीज। ओके तो अभी क्या मतलब क्या तुम्हारी प्रोसेस क्या रही जॉब सर्च करने की बाहर, जो मतलब ज्यादातर लोग जानना चाहते हैं यार कि मतलब IT में लोग जॉब कर रहे हैं तो क्या प्रोसेस है, कैसे बाहर जॉब सर्च करें। ओके अगर मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बोलूं तो मेरे लिए उतना टफ नहीं रहा। ऑफकोर्स मतलब बोलना आसान लगता है कि अब मुझे मिल गई जॉब, बट सबके अपने अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं एक्सपीरियंस। लेकिन तुम्हारी क्या अप्रोच रही? मैंने सबसे पहले लिंक्डइन पे अपना रिज्यूम बनाया था और उसके थ्रू अप्लाई करना चालू किया। तो जो लिंक्डइन पे रिज्यूम बनाया था, कुछ अलग फॉर्मेट से बनाया था या जो था नॉर्मल इंडिया का? नॉर्मल, कुछ अलग से नहीं किया, जो इंडिया का नॉर्मल था उसी हिसाब से मैंने अपनी प्रोफाइल की। और लिंक्डइन में अगर जैसे आप लोगों को पता होगा, एक अलर्ट क्रिएट करने का ऑप्शन आता है, तो मैंने पर्टिकुलरली जर्मनी के लिए एक अलर्ट क्रिएट करी थी और एक अलर्ट क्रिएट की थी वर्ल्ड वाइड के लिए, जिसमें मैं टिपिकली यूरोप की कंपनीज को अप्लाई करता था। तो उसके थ्रू मैं अप्लाई किया था और मैंने एक स्टेप स्टोन पर भी वेबसाइट बनाई थी, जैसा आप लोगों को पता होगा, लेकिन उसके थ्रू मुझे कोई कॉल नहीं आया। या शायद हो सकता है उसमें लैंग्वेज वेरियर रहता हो, क्योंकि लिंक्डइन में मेनली इंग्लिश कॉल आते हैं। तो उसके थ्रू फिर मेरे को HR ने अप्रोच किया और प्रोसेस स्टार्ट। तो ये स्पेसिफिक जॉब सर्च करके तुमने अप्लाई की थी या तुम्हें डायरेक्टली मतलब बिना अप्लाई किए डायरेक्टली HR से ईमेल आ गया था? इस केस में मैंने बहुत सी जॉब अप्लाई की थी जो मैंने अपने साइट से अप्लाई की थी, लेकिन मेरे पास कॉल बैक रिवर्ट नहीं आया। और अप्लाई करने की प्रोसेस क्या थी, मतलब जैसे जर्मनी में हमने एक्सपीरियंस किया है कि लोग कवर लेटर बना के और फिर पूरा इन्फॉर्मेशन लिख के अप्लाई करते हैं, या फिर नॉर्मल इजी अप्लाई कर दिया था लिंक्डइन पर? मैंने इस केस में मेरे पास वाया लिंक्डइन HR का ईमेल आया था। अच्छा, कि वी हैव अनसर्टेन ओपनिंग्स मैचिंग योर प्रोफाइल एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड काइंडली गो थ्रू माय कंपनी वेबसाइट, कंपनी वेबसाइट एंड अप्लाई। सो देयर फिर मैंने कंपनी को मतलब रिज्यूम भी अपलोड किया था और एज वेल एज कवर लेटर भी अपलोड किया था। बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस शुरू होती है वो होती है इंटरव्यू प्रोसेस।
तो वो मतलब क्या कैसे स्टेप बाय स्टेप बताना कि कैसे मतलब वो चीजें शुरू हुई, इंटरव्यू को क्या उन्होंने ये बोला था कि हम इंडिया से इंटरव्यू ले लेंगे, आपको इंटरव्यू के लिए यहाँ आना पड़ेगा, या कभी ऐसा कोई कन्वर्जेशन हुआ कि नहीं यार आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हो तो हम इतना कॉन्फिडेंट नहीं है कि आप यहाँ ज्वाइन करोगे भी नहीं करोगे, इस टाइप की कभी कोई डिस्कशन हुए? हाँ, ये बिल्कुल उनका वैलिड कंसर्न था कि आई थिंक सो बट आई एम नॉट श्योर कि शायद उनकी ये पहली फॉरेन हायरिंग थी इस कंपनी की। ऑफ कोर्स उसमें हमारे इंडियन काफी लोग हैं, बट वो जिन्होंने जर्मनी से मास्टर किया है, यूरोप से मास्टर किया है, वो लोग हैं। तो फर्स्ट इंटरव्यू इट सेल्फ उन्होंने पूछा था कि तुम रियली कन्विंस्ड हो या रियली इंटरेस्टेड हो जर्मनी आने के लिए, देन ओनली वी विल प्रोसीड। तो ये उनका कंसर्न था। तो अगर मैं प्रोसेस की बात करूं तो फर्स्ट उनका एक नॉर्मल जनरल डिस्कशन था। उन्होंने बस फोकस किया था कि तुम क्या करते हो, हाउ इज योर डेली लाइफ, डेली वर्क मतलब डे, पहला नॉर्मल एचआर राउंड हुआ होगा। नॉर्मल एचआर। टोटल टोटल कितने इंटरव्यू हुए थे? 3 इंटरव्यू हुए थे। तीन में से 2 टेक्निकल इंटरव्यू थे, एक एचआर राउंड था। फर्स्ट प्योर एचआर राउंड था, सेकंड टेक्निकल प्लस एचआर था, बट एचआर मोर लेस फॉर्मेलिटी थी। तो फर्स्ट राउंड ऑफ टेक्निकल था, देन आफ्टर फर्स्ट राउंड ऑफ टेक्निकल देयर इज अनदर राउंड ऑफ टेक्निकल। अच्छा, तो और फिर ये कितना पूरा टाइम लगा इन चीजों में, जॉब जब एचआर का ईमेल आया था उससे लेके पूरा इंटरव्यूज खत्म होने तक और ऑफर मिलने तक कितना टाइम लगा पूरा? इसमें शायद से 4 महीने लगे। 4 महीने है ना? हाँ ये बड़ा कॉमन है जर्मनी में, जब जॉब अप्लाई करते हैं ना, इंडिया में बड़ा क्विक होता है ना, इंडिया में बड़ी जल्दी फटाक से महीने भर के अंदर काम हो जाता है, पर यहाँ पे 4 महीने, 6 महीने, 8-8 महीने भी लगते हैं लोगों को। पर इसका मतलब ये नहीं है कि चांसेस चले गए या फिर आपको मतलब रिप्लाई नहीं आएगा, आप ट्राई करते रहो। और इवन इंटरव्यू देने के 6-6 महीने बाद लोगों को रिप्लाई आता है कि आपका सिलेक्शन हो गया। अच्छा, फिर जब सिद्धार्थ तुम्हें ऑफर मिल गया, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होती है वीजा अप्लाई करना, है ना, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए वो सारी चीजें। तो जब मैंने अप्लाई किया था 4 साल पहले तो एम्बेसी के थ्रू वीजा अप्लाई होता था, तो अभी क्या प्रोसेस है वीजा अप्लाई करने की? और दूसरा चीज ये कि तुम्हें कोई स्पेसिफिक अलग से कोई डॉक्यूमेंट्स देने पड़े कि हाँ यार मतलब इंडिया से रिक्रूट किया है जर्मनी के लिए, तो कुछ अलग से ज्यादा भागा दौड़ी करनी पड़ी या फिर सब नॉर्मल था? देखो, मैं पहले भी जर्मनी आया हुआ हूँ, तो जैसा कि तुमने बोला, पहले एम्बेसी के थ्रू वर्क परमिट अप्लाई होता था और शॉर्ट टर्म जो बिजनेस वीजा था वो बीएफएस के थ्रू होता था। बट पोस्ट पेंडेमिक ओवरऑल प्रोसेस काफी चेंज हो गई है। अब 90% ऑफ द वीसा फ्रॉम इंडिया वाया बीएफएस ही अप्लाई होते हैं। अच्छा, तो उस केस में अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से थोड़ी प्रोसेस टिपिकल है। प्रोसेस व्हेन आई से प्रोसेस टिपिकल है तो नॉट इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि मैं अगर जहां तक मैं रिकॉल करूं मोर और लेस डॉक्यूमेंटेशन सेम है, बट अपॉइंटमेंट मिलना और देयर आर सर्टेन कोविड रूल्स की कंसीडरिंग दोस रूल्स, इस हिसाब से। तो उस केस में आप जैसे अगर आप लोग को मैं बताऊं, आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग में एटलीस्ट 3 मंथ का गैप रखना, कंसीडरिंग दिस इन माइंड कि आपको 3 महीने आज की सिचुएशन के हिसाब से लग ही जाएंगे। और जैसे ही अपने आपके पास ऑफर आता है, फर्स्ट थिंग आप इमीडिएटली अपॉइंटमेंट के लिए ट्राई करें, क्योंकि अपॉइंटमेंट मिलना समय काफी टफ हो गया है। एक बार आपका अपॉइंटमेंट हो गया उसके बाद वीसा मोर और लेस 2 से 3 वीक्स में आ जाता है, बट पहला मेजर चैलेंज है अपॉइंटमेंट मिलना। अच्छा, और एक और जो सबसे बड़ा कॉमन क्वेश्चन लोगों को भी रहता है कि जब तुम्हें ऑफर मिला, सारी चीजें हो गई, तुमने डिसाइड किया जाना है, वीजा अप्लाई करते टाइम क्या प्लान था तुम्हारा? मतलब फैमिली का साथ में वीजा अप्लाई करने का प्लान था या फिर पहले यहाँ आके उनको बाद में बुलाने का प्लान था, क्या किया तुमने? फैमिली को तो मुझे अगर इस केस में जाऊं तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप सबका वीसा इंक्लूडिंग फैमिली डिपेंडेंट्स, आपके वाइफ, आपको चाइल्ड जो भी हो, साथ में ही अप्लाई करो। आप ये माइंड में रख सकते हैं कि वो आपको अगर हो सकता है कि आपने ये सोचा कि पहले हम जाएं उसके बाद आपकी फैमिली आपके पर्टिकुलरली अपार्टमेंट और सर्टेन थिंग्स की सेटलमेंट के हिसाब से आएगी, बट मैंने सारे मतलब मैंने अपनी वाइफ का और मेरी डॉटर सबका वीसा एक ही साथ अप्लाई किया था और मैंने डेट में डिफरेंस रखा था, क्योंकि एस फार एस आई नो अभी मेन एप्लीकेंट जो प्राइमरी एप्लीकेंट होता है उसको 6 मंथ का वीसा मिलता है और डिपेंडेंट्स को 3 मंथ का मिलता है। तो कंसीडरिंग दैट इन माइंड माइंड उनका वीसा मैंने सेप्टेम्बर मतलब नॉट सेप्टेम्बर, हाँ वो 1-2 महीने बाद अप्लाई किया था। अच्छा, एक और जरूरी चीज, मतलब सिद्धार्थ की बैंगलोर में अच्छी सैलरी थी, अब कितनी थी ये मत पूछना, ठीक है? ये लोग सब पूछते हैं कि कितनी सैलरी, पैसे बताओ पैसे बताओ, पर अच्छी सैलरी थी और बहुत अच्छी सैलरी थी। वो छोड़ के उसने यहाँ पे आके डिसीजन लिया है अभी यहाँ पे शिफ्ट होने का। तो ऐसा मतलब अभी आजकल जॉब मार्केट इंडिया में अच्छा, आईटी में स्पेशली सैलरी अच्छी मिल रही है इंडिया में लोगों को,
तो क्या मतलब कितना क्या क्या चीजें कंसीडरेशन में रखी थी यार कि चलो यार जर्मनी शिफ्ट होते हैं फिर भी। हाँ जैसा कि दीपक ने बोला इन दिस केस आई विल बी वेरी ऑनेस्ट हियर कि अगर मैं ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी कंपेयर करूं तो या सेविंग कंपेयर करूं तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है एक इंडिया की सैलरी में और एक जर्मनी की सैलरी में इसकी। हाँ, अभी इसकी बात हो रही है। ठीक है बट मेरा मेन मोटिव था कुछ अपने आप को एक नॉर्मल कंफर्ट जोन के आउटसाइड चैलेंज करना अपने आप को या फिर वर्क कल्चर। बट अगेन अगर आप वर्क कल्चर की बात कर रहे हैं तो वर्क कल्चर के हिसाब से मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो इंडिया में भी मैं मतलब उस टाइप का मैं अच्छे कॉमन मतलब वर्क कल्चर में था तो एक डिसीजन तो काफी टफ था मेरे लिए आना। बट एस आई टोल्ड कि प्राइमरी रीजन अगर मैं बोलूं तो एक अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालना था। और सबकी अपनी प्रायोरिटी भी होती है ना, किसी को वही यूरोप घूमना है, किसी को ये कि चलो दो साल दुनिया देखकर आते हैं, वो कईयों के लिए सैलरी भी मैटर करती है, डिफरेंस होते हैं। तो ये सारी चीजें थी मतलब जो सिद्धार्थ के हमने एक्सपीरियंस कैप्चर किए अभी अभी मतलब ये आज ही आया है 24 घंटे जग के और यहाँ बैठा हुआ है। तो अगर आपको कुछ स्पेसिफिक चीजें इस चीज से रिलेटेड जाननी है आगे तो आप बताना क्योंकि बहुत ही रिफ्रेश रिव्यू आपको मिलेगा। जो लेटेस्ट इसने अभी प्रोसेस फॉलो की है वो आपको बताएंगे हम और आई होप आपको मजा आया होगा। और अगर कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप कमेंट करना वीडियो में।